महागठबंधन की ओर से कल 19 और 21 दिसंबर को बिहार बंद का ऐलान किया गया था, जिसके तहत आज विपक्षी पार्टियों द्वारा पूरे बिहार में विभिन्न तरीकों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी को पटना पुलिस ने राजेंद्र नगर टर्मिनल पर प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, बंद जनता के लिए है। जिस तरीके से सीएबी और जिस तरीके से एनआरसी ये सब जो ला रहे हैं, ठीक है, लेकिन आज देश को समस्या कहाँ पे? आज देश में समस्या है युवा को रोजगार देना, आज समस्या है किसान को आय दुगुनी करना, आज समस्या है लॉ एंड ऑर्डर को सही करना, आज समस्या है जिस तरीके से घटना हो रहा, रेप बलात्कार, ये सारे चीजों पे लोगों को सरकार हमने इसलिए चुना है, ना ही कि ये उलल जुलल काम करने के लिए। तो इसलिए देश में आज जरूरी है देश को, सरकार को जो काम करना, उसमें कहीं ना कहीं सरकार नहीं करके वोट बैंक की राजनीति कर रहा, और ये वोट बैंक की राजनीति कर रहा है, ऐसे सरकार को हम लोग विरोध करेंगे और जनता के हक अधिकार के लिए लड़ेंगे। जनता के हित के लिए, युवा के लिए कर रहे हैं बंद, युवा के हित के लिए कर रहे हैं और जनता के लिए। बंद के कारण तो समस्या लोगों को ही झेलनी पड़ेगी, ठीक है, आज 5% 10% लोगों को समस्या झेलना पड़ेगा, लेकिन कल का भविष्य बेहतर होगा। आज जैसे नोटबंदी लाए, जीएसटी लाए, तमाम ऐसे चीज आरएनडी बगैर अर्थशास्त्री से बगैर पूछिए बगैर बात किए अपने मर्जी करने के लिए, अपना चेहरा चमकाने के लिए देश में इस तरीके का व्यवस्था लागू कर दिया। जिस तरीके का आज देश में इतने बड़े भयंकर हालात है, आज सारे कंपनी में फैक्ट्री में लोग एम्प्लॉय अनएम्प्लॉय है, 1 करोड़ से अधिक लोगों को नौकरी चला गया।